चलो इवन, आज है 28 जुलाई और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 17.91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक लगातार ही गिरते देखने को मिल रहा है। गिरावट के पीछे क्या है वजह पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारे चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं सभी स्टॉक की वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो स्टॉक से जो आपको 7 दिन, मतलब 1 महीने, 15 दिन के हिसाब से अच्छा रिटर्न आके दे सकते हैं, वो सारे स्टॉक मैं वहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ। चैनल को जरूर से आके ज्वाइन करिएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो जीरोधा में डीमेट अकाउंट पूरी तरह से फ्री हो चुका है, तो आपको वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सालासा टेक्नो देखिए तो लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर देखिए तो 31 से 32% स्टॉक गिर चुका है। स्टॉक ने अच्छा खासा 33.95 का हाई बनाया था, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। जब इस स्टॉक में रैली देखने को मिल रही थी तब भी मैं बस आपको यही कह रहा था, स्टॉक को आपको बाई नहीं करना है। क्योंकि जब स्टॉक में कोई रैली आती है वो स्टॉक सबको अच्छा लगने जाता है, क्योंकि स्टॉक ऊपर की ओर जाता है। और जब वो स्टॉक गिरने लग जाता है वो स्टॉक सबको खराब लगने लग जाता है। अभी सालासा टेक्नो की कोई भी बात नहीं कर रहा है स्टॉक को बाई कर ले क्या, बाई कर ले क्या। पर जब रैली आती है तो सब यही बोलते हैं बाई करना है, बाई करना है। पर मैंने आपको यहाँ पे मना किया था, अब एक अच्छा मौका बनते हुए देखने को मिल रहा है। और मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ, रैली देख के बाई नहीं करना है, गिरावट देख के बाई नहीं करना है। जब कोई स्टॉक साइड में ट्रेड करता रहता है तब आपको पता लगाना है स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे, तभी आप पैसा बना पाएंगे। फिलहाल देखिए आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकोन, जीटेल इंफ्रा, सेस्टा, सनस्केट, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनमें अच्छा खासा अपर सर्किट लग चुका है। अभी वो सब स्टॉक को बाई करना चाह रहे हैं, पर जब वो सारे ही स्टॉक गिरेंगे तो स्टॉक सबको खराब लगने जाएगा। उसी तरह से आपको सालासा टेक्नो में भी होते हुए देखने को मिला था, पर यहाँ एक अच्छा खासा मौका बनते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर 17 रुपए के आसपास आता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहना है, जिससे स्टॉक गिरेगा भी तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी। फंडामेंटल में स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्लाइंट बेस देखे तो बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि यूपी और एमपी गवर्नमेंट भी देखने को मिल रही है। कामकाज देखेंगे तो बहुत ही यूनिक और फ्यूचर रिलेटेड देखने को मिल रहा है। देखेंगे यहाँ देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पावर हो गया, रिन्यूएबल हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखते हैं स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, पोल्स, हैवी स्टील स्ट्रक्चर, इन सभी सेक्टर में कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है सालासा टेक्नो। तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर सेक्टर की कंपनी है, फंडामेंटल में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मार्केट कैप 3026 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। पर इसका स्टॉक भी थोड़ा सा खराब है, 57.2 का देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ से अगर स्टॉक पी 50 से नीचे आता है तो एक अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसकी करेक्ट प्राइस जो है बाइंग की वो 11 रुपए के आसपास है, पर मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ 17 के आसपास एंट्री लीजिए। मान लीजिए अगर आपको 1000 क्वांटिटी बाई करनी है तो आप 100 क्वांटिटी बाई करिए, स्टॉक और गिरता है तो और 100 बाई करिए, और गिरता है और 100 बाई करिए, ऐसे ऐसे करके आप 10 दिन तक बाई करिए, जिससे आपकी बाइंग प्राइस कम से कम 14-15 रुपए के आसपास आ जाएगी अगर गिरता है तो। नहीं तो फिर नहीं गिरता तो आपको एक मतलब बाइंग तो हो जाएगी आपकी, फिर एक रैली आएगी तो एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। अगर आप देखेंगे इसका सेल्स, तो सेल्स था मार्च 2021 के अंदर 212 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था, जो कि फिलहाल मार्च 2024 के अंदर 367 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे सेल्स में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। इसी वजह से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 के अंदर 19 के आसपास था, जो कि फिलहाल 36 के आसपास देखने को मिल रहा है 24 के अंदर। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 करोड़ के आसपास था, जो कि फिलहाल 23 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही सही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप कैश फ्लो भी देखते हैं तो 0 के आसपास देखने को मिल रहा था मार्च 2013 के अंदर, सॉरी, जो कि नेट कैश फ्लो बढ़कर 2 करोड़ के आसपास आ चुका है, ज्यादा नहीं है, प्लस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शेयर पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही है। सितंबर 2021 के अंदर 69.70 थी, जो कि फिलहाल जून 2024 के अंदर 57.4 के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ देखते हैं सेल्स थोड़ा सा घटते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी खराब बात होती है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। एफआईएस की हालांकि 0 थी, जो कि 6.66 के आसपास देखने को मिल रही है, तो यहाँ फोर इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। वहीं डीएस देखिए 0 थी, जो कि फिलहाल 0 ही देखने को मिल रही है। पब्लिक की 30.30 थी, जो कि फिलहाल 36.30 के आसपास आ चुकी है। तो ओवरऑल शेयर पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल बहुत ही सही है, थोड़ा सा पीस का हाई है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, फिलहाल एंट्री मत लीजिए, 17 से नीचे जाता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी, पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहना है, जिससे स्टॉक गिरेगा तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।